मध्य प्रदेश के खनिज। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि पढ़ा था आपने, कृषि के बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में खनिज। भारत में खनिजों से संपन्न जितने राज्य हैं, जैसे आपने झारखंड का नाम सुना होगा, खनिजों की दृष्टि से काफी संपन्न है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तो ये सारे राज्य खनिज की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य माने जाते हैं। उसी तरह से जो आठ राज्य भारत में, आठ राज्य ऐसे हैं जो खनिजों की दृष्टि से बहुत ज्यादा धनी है, उन्हीं आठ राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश भी एक राज्य शामिल है, है ना। इसी कारण से खनिजों में थोड़ा ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है और काफी क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो खनिज के अंतर्गत सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, कुछ फैक्ट नोट कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला फैक्ट नोट कीजिए, पहला कि मध्य प्रदेश देश के आठ खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश देश के आठ खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। सेकेंड पॉइंट नोट करिए कि मध्य प्रदेश में, मैं लिखने रही हूं, मैं बोल रही हूं तो आप उसे नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए कि मध्य प्रदेश में कुल 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उन 25 में से 20 खनिजों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मतलब समझे आप, कुल अगर हम भंडारण की दृष्टि से देखें तो कुल 25 प्रकार के खनिज हमारे मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं, लेकिन उन 25 में से केवल 20 खनिजों, चाहे 20 खनिजों में मुख्य खनिज भी आते हैं और गौण खनिज भी आते हैं, ठीक है, तो उन दोनों खनिजों में को मिलाकर के 25 में से 20 खनिजों का उत्पादन वर्तमान में मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन अगर मुख्य खनिजों की बात की जाए, जैसे मैंगनीज, तांबा, तो मुख्य खनिजों में 8 खनिजों का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने खनिज पाए, कितने प्रकार के खनिज की उपलब्धता है, पाए जाते हैं, तो 25 प्रकार के। अगर उत्पादन पूछा जाता है तो उत्पादन उनमें से 20 प्रकार के ही खनिजों का होता है, और अगर मुख्य खनिजों की बात की जाए तो केवल 8 प्रकार के खनिजों का यहाँ पर उत्पादन होता है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आइए, मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब खनिज नीति की घोषणा की जाती है ना, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में पहली बार खनिज नीति की घोषणा की गई थी 1995 में। वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और जो हमारी वर्तमान में खनिज नीति चल रही है, नई खनिज नीति, वर्तमान खनिज नीति, तो वर्तमान खनिज नीति है 2010, मतलब वर्तमान में 2010 में खनिज नीति घोषित की गई है। और अगर हम प्रथम की बात करें तो वर्ष 1995 में खनिज नीति घोषित की गई थी। अगला पॉइंट डालेंगे, राज्य खनिज विकास निगम, ठीक है, मतलब राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई, आपको यह याद रखना है। तो लिखिए, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई 19 जनवरी 1962 को राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और राज्य खनिज विकास निगम स्थित कहां पर है, तो राज्य खनिज विकास निगम इज सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल, ठीक है। तो भोपाल में राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1962। ये तीनों फैक्ट बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है, रटना मैं बहुत कम बोलती हूँ और जब बोलती हूँ तो आप रट ही लिया करिए। तो ये हो गए कुछ फैक्ट खनिज से संबंधित। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिजों की, कि मुख्यतः कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और खनिज, तो हमारा मध्य प्रदेश जिस खनिज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिन खनिजों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, वो है स्पेशली मैंगनीज और तांबा। यहाँ की जो खदाने हैं मैंगनीज की, जो मध्य प्रदेश में स्थित खदाने हैं, वो ना केवल मध्य प्रदेश में, ना केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर ये प्रसिद्ध खदाने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैंगनीज की। यहाँ पर मैंने मैप के थ्रू खनिजों की लोकेशन आपको प्रदर्शित करने की, बताने की कोशिश की है। रटना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर चीनी मिट्टी आपने याद किया है और चीनी मिट्टी का लोकेशन आपको याद है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो फिर याद करते रह जाओ कि किस जिले में, जबलपुर में क्या सबसे ज्यादा होता है, मैंगनीज का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लोकेशन भी दर्शा दी है।
तो पहला आप डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे खनिजों में, फर्स्ट पॉइंट डालिए मैंगनीज, मैंगनीज। और मैंगनीज में जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूं अंडरलाइन करके और नीचे पॉइंट बना के आप मैंगनीज में लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिए मैंगनीज में कि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण खनिज मैंगनीज है। मैंगनीज है। अगला पॉइंट डालिए मैंगनीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मैंगनीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला पॉइंट डालिए देश के 40% मैंगनीज, कुल मैंगनीज का, देश में कुल मैंगनीज का 40% मैंगनीज मध्य प्रदेश के केवल दो जिलों छिंदवाड़ा और बालाघाट से प्राप्त की जाती है। देश की 40% मैंगनीज छिंदवाड़ा और बालाघाट से प्राप्त की जाती है। अगला पॉइंट लिखिए मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। लिखिए मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। मैंगनीज तांबा कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। अगला पॉइंट लिखिए बालाघाट की भरवेली खान एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान है। एक मैंगनीज की खान है बालाघाट में, मैं लिख देती हूं ये बालाघाट में स्थित है भरवेली खान, बहुत इंपॉर्टेंट है भरवेली खान, ठीक है। और ये खान जो है ये एशिया की सबसे बड़ी खान है। भरवेली खान एशिया की सबसे बड़ी खान है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, पहला तो भरवेली खान किस जिले में है आपको बताना होगा, बालाघाट में। दूसरा तो एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान कौन सी है, तो आपको नाम बताना होगा। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि भरवेली खान किस खनिज से संबंधित है, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो भरवेली खान किस खनिज से संबंधित है, मैंगनीज से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। अब इसमें आप एक लास्ट पॉइंट डालिए, हम देख लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो मैंगनीज होता है उसका निर्यात कहां कहां पर किया जाता है। तो लिख लीजिए कि इस मैंगनीज का निर्यात यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन और रूस में किया जाता है, ठीक है। यूएसए, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन में इस मैंगनीज का निर्यात किया जाता है। तो मैंगनीज के अंतर्गत जो भी आपकी चीजें थी फैक्चुअल चीजें, इससे ज्यादा फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे इसमें, तो ये सारी हो जाती है कंप्लीट। प्रमुख खनिज कौन सा है मध्य प्रदेश का, प्रमुख क्यों कहा गया है क्योंकि इसकी खान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और ये एशिया स्तर पर काफी प्रसिद्ध खान है। तो पहला खनिज हो जाता है कंप्लीट। अब आप दूसरा खनिज डालिए तांबा, सेकेंड पॉइंट डालिए आप तांबा, और तांबे में जो जो पॉइंट मैं बता रही हूं वो पॉइंट आप लगातार नोट करते जाइए। तांबे में पहला लिखिए तांबा प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों से प्राप्त होता है। लिखा हुआ है तांबा प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट डालिए बालाघाट एवं छिंदवाड़ा, मैंगनीज और तांबे के लिए दो जिले बहुत ज्यादा फेमस है, तो तांबे के लिए भी बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला लिखिए उत्पादन की दृष्टि से तांबे में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से, तांबा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। मैंगनीज को, मैंगनीज की उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त था, थर्ड था, लेकिन तांबे में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है, नोट कर लीजिए। तो अभी तो मैंने बताया उत्पादन की दृष्टि से, तो तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट है ना। अब भंडारण में, तो भंडारण में मध्य प्रदेश फर्स्ट नहीं है, भंडारण में है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का पहला नंबर है तांबे के भंडारण में, लेकिन वहीं पर उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। उसके बाद तांबे का जो निर्यात है, हमारे मध्य प्रदेश में जो उत्पादित तांबा है इसका निर्यात राजस्थान को किया जाता है, ठीक है। तो तांबे से जुड़े हुए सारे फैक्ट हो जाते हैं खत्म। अब हम बात करते हैं प्रमुख था मैंगनीज, काफी मात्रा में पैदा होता था, उसके बाद तांबा फर्स्ट पोजीशन है। अब हम देखते हैं कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट है कोयला।
कोयला, ठीक है। तो देखिए कोयले को मैप में देखिए, जो कोयला है वो हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में, दो भागों में एक तरह से कह सकते हैं बटा हुआ है, ठीक है। तो एक तो आप ये देख रहे हैं, एक तो आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं और दूसरा आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है। तो उत्पादन की भी दृष्टि से थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है और क्षेत्र तो अलग अलग है ही, तो इस तरह से दो भागों में हम विभाजित करके अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोयले के क्षेत्रों को पढ़ते हैं। जो पहला भाग है ये कहलाता है मध्य भारत का कोयला क्षेत्र, जो दूसरा भाग है ये कहलाता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में मध्य प्रदेश के स्पेशली जो पूर्वी जिले हैं, सहडोल, सिंगरौली, उमरिया, सीधी, ये सारे भाग शामिल है, और ये जो सतपुड़ा वाला रीजन है ये दूसरा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तो कोयले से जुड़े हुए पहले कुछ फैक्ट लिख लीजिए, फिर आप मैं ये भी लिखवा देती हूँ। तो एक फैक्ट लिखिए कि देश के कोयले के कुल भंडारण का, देश के कोयले के कुल भंडारण का 35% मध्य प्रदेश में स्थित है। देश के कोयले के कुल भंडारण का 35% हिस्सा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट लिखिए, उत्पादन की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का क्या उत्पादन की, कोयला उत्पादन की, कोयला उत्पादन की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का 4th स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कोयला उत्पादन की दृष्टि से देश का मध्य प्रदेश का देश में 4th स्थान है। मैंगनीज का क्या पढ़ा आपने, 3rd उत्पादन में। तांबे का उत्पादन में क्या पढ़ा आपने, 1st पोजीशन है मध्य प्रदेश की। अब आती है कोयले की बारी, तो कोयले में 4th पोजीशन है मध्य प्रदेश की। वहीं पे अगर हम भंडारण की बात करें, देखिए उत्पादन और भंडारण दोनों अलग अलग चीजें होती है, तो भंडारण में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है, ठीक है। कोयले के भंडारण में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। तो ये तो हो जाते हैं कुछ फैक्ट, अब हम बात कर लेते हैं दोनों क्षेत्रों की। तो मध्य प्रदेश में कोयले के क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो ये आपके सामने है और दूसरा ये आपके सामने है। तो पहला तो हो गया मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा हो गया सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ओके। कोयला क्षेत्र भी मैं लिख देती हूं, कोयला क्षेत्र भी लिख लीजिएगा, कोयला क्षेत्र, ओके। तो पहला तो भाग हो गया मध्य भारत वाला, ये वाला, और दूसरा हो गया सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो सर्वोत्तम चाहे किस्म की बात करें, चाहे आप प्रोडक्शन की बात करें कि सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो ये सारी चीजें मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहां पर प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है और कोयले की क्वालिटी जो है वो भी थोड़ी कम होती है। चलिए तो मध्य भारत के कोयले क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले तो मध्य भारत, जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो भी ताप विद्युत ग्रह है और भी जो भी यूज होता है कोयले का, तो सबसे ज्यादा जो आपूर्ति करता है क्षेत्र वो मध्य भारत का कोयला क्षेत्र करता है, ठीक है। इसीलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, जो मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है, नीचे लिख लीजिएगा स्टार लगा के या पॉइंट बना के, जैसे भी लिखते हो। मध्य भारत का कोयला क्षेत्र भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। अगर इन दोनों की बात की जाए कि दोनों में से भंडारण सबसे ज्यादा कहां पर है, तो देखिए इसका जो भंडारण है वो यहीं पर है, भंडारण में मध्य प्रदेश में ये प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं मध्य भारत, जैसे बहुत सारे कोयले क्षेत्र हैं, ठीक है, अलग अलग खदानें हैं और उन पूरे क्षेत्र को मिलाकर एक मध्य भारत का कोयला क्षेत्र नाम दे दिया गया है, और इस तरह से सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो वहां पर भी कई सारे अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में हम देखेंगे सोहागपुर कोयला क्षेत्र। सोहागपुर कोयला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप जितने भी स्टार लगा ले इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन सोहागपुर से जुड़ा हुआ, तो ये
पूछा जा सकता है कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को अक्सर पता होता है उमरिया, बट ये शहडोल में है। तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है, शहडोल में। उसके बाद अगला पॉइंट आपके लिख सकते हैं कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का कोयला उत्पादित किया जाता है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का कोयला उत्पादित किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमारे अंबानी जी वाली जो रिलायंस इंडस्ट्री है, वहां पर वहां रिलायंस वालों ने मतलब सोहागपुर कोयला क्षेत्र में कोल बेड मीथेन का पता लगाया है। ठीक है, तो रिलायंस ने कोलवेड मीथेन के यहां पर भंडार खोजे हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कोलवेड मीथेन के भंडार किस क्षेत्र में पाए गए हैं। अगर कोयला क्षेत्र नाम नहीं देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट याद रखिएगा ये पाए गए हैं मध्य भारत कोयला क्षेत्र के सोहागपुर कोयला क्षेत्र में। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कोलवेड मीथेन के बारे में। देखिए, जहां पर भी कोयले का खनन होता है, जहां पर भी कोयला पाया जाता है, उसके साथ एक गैस होती है ना, कोलवेड मीथेन जिसे कहा जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम खनन करते हैं तो खनन के दौरान ये गैस भी निकलती है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता, इसका यूज भी कुछ नहीं होता, ठीक है, उस टाइम पर। लेकिन यदि हम इसे सुरक्षित तौर पर संरक्षित कर ले, ठीक है, अलग से करके और उसे हम निकाल के संरक्षित कर ले, तो क्या होता है, ये ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे फालतू ना जाने दें और अगर हम इसे संरक्षित कर ले तो ये ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत बन जाता है। तो यही चीजें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहां पर खोजी है और अब ये काम भी शायद शुरू भी किया जा चुका होगा कोलवेड मीथेन से संबंधित। आगे समझ में, चलिए सोहागपुर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शहडोल जिले में है। अगला पॉइंट लिखेंगे सिंगरौली, सिंगरौली कोयला क्षेत्र। तो सिंगरौली क्षेत्र कोयला क्षेत्र, इसमें पॉइंट लिख लीजिए कि यहां पर भी उत्तम श्रेणी का कोयला उत्पादित किया जाता है। और दूसरा लिखिए कि सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है, जो यहां पर खदानें हैं, यहां पर एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है। एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है, मतलब किसकी मोटी परत, कोयले की मोटी परत। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, जो कि एशिया के स्तर पर फर्स्ट पोजीशन रखती है, प्रथम स्थान रखती है, और अगर अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर सेकेंड पोजीशन रखती है। तो जो सिंगरौली की परत है कोयले की, वो विश्व में दूसरा स्थान रखती है, जबकि एशिया में पहला स्थान रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सिंगरौली का जो कोयला है, इसका यूज NTPC कर रहा है। सिंगरौली बस के नहीं, जो मध्य भारत का पूरा क्षेत्र है ना, लगभग कोयले का यूज NTPC ही कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिजली ताप विद्युत ग्रिड की स्थापना करके। अगला लिखिए, अगला जो क्षेत्र है वो है उमरिया क्षेत्र। यहां पर भी कोयले का उत्पादन होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, एक चीज माइंड में आ रही होगी कि हमने तांबा भी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पढ़ा, मैंगनीज भी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पढ़ा, कोयला भी हमने, अब ज्यादातर है तो यहां पर भी कोयला, लेकिन वहीं पर उत्तम किस्म का कोयला क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे कि आप चाहे झारखंड की बात करें, वहीं पर छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सारे जिले कहां, ये सारे राज्य किस क्षेत्र में स्थित है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो राज्य भले ही अलग हो गए, लेकिन वहां की भूमि नहीं अलग होती। वहां पर जो चट्टाने पाई जाती है, वही चट्टाने हमारे यहाँ भी पाई जाती है, है ना। और जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में लगा हुआ था, तब तो और भी ज्यादा धनी था हमारा मध्य प्रदेश खनिज की दृष्टि से, लेकिन छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के बाद एक झटका सा लगा था मध्य प्रदेश को, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ क्षेत्र जो है जो मध्य प्रदेश के अंदर है और खनिज की दृष्टि से काफी संपन्न है। यही रीजन है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जो हिस्सा है वो खनिज की दृष्टि से काफी जाना जाता है। तो थर्ड लिखिए उमरिया क्षेत्र। तो उमरिया क्षेत्र जो है, इसकी विशेषता ये है कि यह प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। क्या है ये, प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सबसे ज्यादा सोहागपुर और सिंगरौली है। अगला है, अगला लिखिए कोरार क्षेत्र, ये भी एक कोयला क्षेत्र है। और यहां पर बस आप इतना जान लीजिए कि ये है कहां पर, तो कोरार क्षेत्र उमरिया में है, उमरिया में। ओके,
अगला है मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ही, शायद आपको अब दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख देती हूं मैं, तो कोरार के बाद अब लिख लीजिए जोहिला घाटी, जोहिला घाटी कोयला कोयला क्षेत्र, जोहिला घाटी कोयला क्षेत्र। जोहिला का नाम सुनकर आपके माइंड में नदी का नाम आ गया होगा, तो जी हाँ, ये जोहिला नदी ही है जो आप जानते हो, और उसी का जो एरिया है, घाटी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर कोयले का उत्पादन होता है। तो कोयला को जोहिला घाटी कोयला क्षेत्र एक अलग से क्षेत्र बना दिया गया है, जो कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये है कहां पर? ये बीरसिंहपुर के पास है, बीरसिंहपुर के पास निकट है ना। तो मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में सारी चीजें हो जाती है खत्म। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में फर्स्ट डालिए मोपानी, पहला डाल लीजिए मोपानी है ना। तो ये जो मोपानी है कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर साधारण किस्म का कोयला पाया जाता है। वैसे देखा जाए तो उत्तम किस्म के कोयले केवल मध्य भारत कोयला क्षेत्र में ही है, यहाँ पर साधारण किस्म का कोयला पाया जाता है। अगला लिखिए, और ये इस सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कान्हन घाटी। तो कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र सबसे पहले यह जान लीजिए है कहां पर। तो कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र छिंदवाड़ा के पास है, ठीक है। तो ये कहां पर है? छिंदवाड़ा के पास है, याद रखिएगा कान्हन घाटी। और उसके बाद अगला डालिए पेज घाटी, अगला डालिए पेज घाटी, और लास्ट आप डाल दीजिए शाहपुर तवा पेटी। शाहपुर तवा पेटी, तवा नदी, ये वाला जो पूरा होशंगाबाद के आसपास वाला जो एरिया है, शाहपुर तवा पेटी। शाहपुर तवा पेटी की एक विशेषता है, जब आप ताप विद्युत ग्रह जल विद्युत ग्रह पढ़ेंगे, ताप विद्युत ग्रह जल विद्युत ग्रह क्या होता है ये भी कंफ्यूजन होगा, मैं बता देती हूँ। देखिए हमारे यहाँ अभी हाल फिलहाल में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो दो चीजों से बिजली बनाई जाती है, एक तो जल से बनाई जाती है, दूसरी कोयले से बनाई जाती है। तो जब विद्युत का उत्पादन जल से होता है तो उसे जल विद्युत केंद्र कहते हैं, मतलब कि कोई केंद्र लगाया जाता है जहां पर जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो उसे जल विद्युत केंद्र कहा जाता है। और जब कोयले का जब विद्युत का उत्पादन कोयले से किया जाता है और ऐसा कोई केंद्र स्थापित किया जाता है तो उसे ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। इस क्षेत्र में एक ताप विद्युत केंद्र है, मतलब कोयले से बिजली बनाई जाती है, उसका नाम है सारणी, बैतूल में है सारणी ताप विद्युत केंद्र। तो जो सारणी ताप विद्युत केंद्र है वहां पर क्या हो रहा है? कोयले के माध्यम से बिजली बनाई जा रही है। अब कोयले के माध्यम से बिजली बनाई जा रही है तो मतलब उस केंद्र को कोयले की जरूरत पड़ती है, तो उस कोयले की आपूर्ति, उस सारणी केंद्र को कोयले की जो आपूर्ति कराता है वो कराता है शाहपुर तवा पेटी। शाहपुर तवा पेटी याद रखिएगा। ये जो ताप विद्युत ग्रह है ये कहां कहां पर है, परेशान मत होइए, आगे आएगा फिर वहां पर हम देख लेंगे। तो आपने देख लिया क्या? मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ये हो जाते हैं समाप्त। अब हम ओवरऑल एक बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम ओवरऑल देखें कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में कोयले का उत्पादन हो रहा है, तो ये तो पता है आपको कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र में, लेकिन अगर हम उसके और अंदर जाएं तो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है उत्तम किस्म, वो भी उत्तम किस्म का कोयला, ये होता है कहां पर? सोहागपुर में। अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, तो सबसे ज्यादा सोहागपुर में, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को आपूर्ति भी सोहागपुर ही करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और अगर एशिया में मोटी परत की बात की जाए, जैसे बच्चों को क्या होता है ना, सिंगरौली का नाम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि ऊर्जा राजधानी है, तो इस वजह से उनके मन में एक कंफ्यूजन सा बना होता है कि सबसे ज्यादा कोयला सिंगरौली में ही पाया जाता है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सोहागपुर में, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसके ही कोयले का यूज किया जाता है। लेकिन एशिया की सबसे मोटी परत चूंकि सिंगरौली में पाई जाती है कोयले की, और उत्तम किस्म की परत है, सबसे मोटी परत, तो इस वजह से कोयले को सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है एशिया के स्तर पर, और अगर हम विश्व में देखें, वर्ल्ड में देखें, तो इसका स्थान क्या है? दूसरा है।
और यहाँ के कोयले का, यहाँ के सबके कोयले का जो यूज है वो एनटीपीसी करता है। ये सब इकोनॉमी में पढ़ेंगे आप डिटेल से। तो ये हो गया अपना कोयला। कोयले के बाद अब आप देख लीजिए, कोयले के लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए, तांबे के लिए और रेत बहुत ही मूल्यवान खनिज के लिए जाना जाता है हमारा मध्य प्रदेश, हीरे के लिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट डाल लीजिए हीरा। हीरे के बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। तो हीरे में आप पहला पॉइंट डालेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। देखिए, और भी जहां पर पाया जाता है हीरा वहां पर भंडारण है केवल, आंध्र प्रदेश में ही बस भंडारण है, उत्पादन नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हीरे का उत्पादन होता है वो है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला पॉइंट डालेंगे कि हीरा विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अगला लिखेंगे कि जो हीरा है इसका प्रमुख क्षेत्र है पन्ना। कौन सा क्षेत्र है? पन्ना। पन्ना का हिनौता क्षेत्र है, यहां पर हीरे की खदान लगाई गई है। और हिनौता जो क्षेत्र है ना, ये भोकर नदी की घाटी पर स्थित है। भोकर नदी घाटी पर स्थित है। तो अगर पूछा जाता है कि भोकर नदी घाटी किस खनिज के लिए फेमस है, तो किसके लिए फेमस है? वो हीरे के लिए फेमस है। क्लियर हो गया। और एक स्थान है मझगवा, मझगवा भी पन्ना में है। ठीक है, तो मझगवा से लेकर सतदा तक हीरे के लिए एक किम्बरलाइट पाइप बिछाई गई है। किम्बरलाइट पाइप बिछाई गई है कहां से? मझगवा पन्ना से लेकर के सतना तक, याद रहेगा। अगला पॉइंट लिखिए कि मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। कंपनी है, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। जो लोग पन्ना से होंगे वो जानते होंगे, और जो लोग नहीं है आप वहां पर जाओगे तो जगह जगह पे आपको कुछ पोल मिलेंगे उसमें लिखा होगा एनएमडीसी। क्यों? क्योंकि एनएमडीसी ही वहां पर पूरा प्रोजेक्ट जो है इन्हीं का ही चलता है, एनएमडीसी का। फिर इसके बाद हम अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो आपने जान लिया कि सबसे ज्यादा उत्पादन हमारा मध्य प्रदेश करता है कोयले का, सॉरी हीरे का। और अगर भंडारण की बात की जाए तो भंडारण सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में, हीरे का भंडारण सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश में। आगे समझ में? तो हीरे की चीजें हो गई, कोयले की हो गई, मैंगनीज की हो गई, तांबे की हो गई, जो प्रमुख रूप से खनिज पाए जाते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। जो कुछ गौण खनिज है बस इतना जानना है कि कहां कहां पर ये खनिज जो है पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक एक चीजें जो मैंने करवाई है वो चीजें आप नोट करके और समय समय पर उसे रिवाइज करते जाना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है, आपको याद हो गई है चीजें, तो लाइक दे देना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।